उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 15 साल के एक छात्र के अपहरण से उज्जैन से लेकर इंदौर तक हड़कंप मच गया। हालांकि बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश के हाथ को दांतों से काटा और भागकर भीड़ में घुसकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं छात्र की शिकायत पर इंदौर की सराफा पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की डायरी को उज्जैन भेजा गया है। दरअसल पूरा मामला उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र कोचिंग से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसे कुछ बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा डालकर बेसुध किया और अपहरण कर बदमाश इंदौर लेकर आ गए। हालांकि इस दौरान बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश का हाथ काट कर उसके चंगुल से भाग निकला और राजबाड़ा क्षेत्र में पहुंच गया। तभी कुछ लोगों ने उसे जख्मी हालत में देखकर रोने का कारण पूछा। उसने अपने परिजनों का नंबर दिया। उन्होंने परिवार वालों को फोन लगाया और डायल 100 पर भी फोन लगा दिया। रात में सराभा पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया, फिर अपहरण का केस दर्ज कर मामला जीवाजीगंज थाने पर ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअली वो सराफा थाना क्षेत्र का मामला नहीं था, पर परसों रात को हमको निहलपुरा मार्केट से सूचना मिली थी कि एक 15 साल का बच्चा है जो मार्केट में मिला है और सेमी कॉन्शियस स्थिति में है और अंगी-पुंगी उसको चोटें भी हैं। सूचना पर तुरंत उस बच्चे को हम लोगों ने रिकवर किया और उसका इलाज करवाने के दौरान मेडिकल कराने के बाद उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि वह उज्जैन का रहने वाला है और उज्जैन में कोचिंग जाते समय कुछ लोगों ने उसको जबरदस्ती इंदौर लेके आ गए थे और वह उनकी पकड़ से छूटकर भागा है, क्योंकि प्रथम दृष्टा उसमें अपहरण का अपराध उसके बयान के आधार पर पाया गया था और घटनास्थल उज्जैन का होने से जीरो पर कायमी की गई और डायरी को उज्जैन भेजा गया। सर, इस मामले में उनके परिजनों से भी बात की गई क्या आपके साथ? उसमें उनके उज्जैन से तो कोई परिजन उस समय तक नहीं आए थे, जो लोकल उनके परिचित थे वो लोग उपस्थित हुए थे, पर उनको इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। विवेचना में जो भी तत्व उज्जैन आएंगे वो उज्जैन में। सर, कौन सी क्लास में पढ़ता था, कितनी उम्र थी, क्या नाम? करीब 15 साल का था, वहाँ उज्जैन में 10th क्लास में। छात्र के अनुसार न सिर्फ बदमाशों ने उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट भी की गई, वहीं पुलिस की सूचना पर छात्र के परिजन भी तत्काल इंदौर पहुंच गए। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।